तरफ है। मैं मोहम्मद शाहनवाज आलम, इस वक्त हम मौजूद है अहमदाबाद प्रखंड के बारदियारा पंचायत के गांव यूसुफ टोला में। आप देख सकते हैं मेरे कैमरे के माध्यम से जिस तरह की नदी का कार्य हुआ है, ये सही ढंग से हुआ कि नहीं, यहाँ का स्थानीय लोगों से पूछताछ करेंगे। इससे पहले जो कार्य हुआ था 2018 में बोल्डर पिचिंग, जमीन को खुदाई करके 70 फीट की लंबाई पिचिंग किया गया था बोल्डरों के द्वारा, लेकिन वो नदी में समा चुकी है। उसके बाद उसके ऊपर में जो स्लोपिंग किया गया था, वहाँ की थोड़ी सी गलती की थी, इंजीनियर के द्वारा हो या चाहे कंपनी के द्वारा गलती तो थोड़ी हुई है। वहाँ पे जो क्रेट की जरूरत थी, लेकिन वहाँ की क्रेट नहीं दिया गया, आज उससे चलते वो नदी में समा चुकी है। फिर 2019-2020 में जो कार्य किया गया है जियो बैग के द्वारा, और यहाँ पे जो आप देख सकते हैं मेरे कैमरे के माध्यम से, जो वहाँ पर पेड़ को वहाँ पर 26 फीट की गहराई जो होनी थी, वहाँ 20 फीट की गहराई दिया गया, और वहाँ पर जो 5 फुट ऊंचाई में रखा गया, लेकिन वो इतना गंगा की इतना बढ़ोतरी में, जबकि बढ़ोतरी इतना तकाफी हुई कि वो पूरा का पूरा पेड़ सब डूब गया। लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ के कल जो कल शाम के समय 4 बजे यहाँ पर कटौती हुआ था, लेकिन अभी उसकी मरम्मत की जा रही है। जो कल की जो कल काज होना चाहिए था, लेकिन आज काज वहीं पर हो रहा है, लेकिन वो जहाँ उसकी लंबाई जो और फिट होना चाहिए था, लेकिन वो थोड़ी सी कम दी गई है। तो कल जो समय में कटा था, लेकिन भीषण इतनी तेज थी जो यहाँ के लोग दहशत में थे, अफरा तफरी मच गई थी, और यहाँ के लोग जो है दहशत में थे। जब कटना स्टार्ट हो जाता है तो लोग यहाँ पर घर को तोड़ने में काफी मुश्किल हो जाता है। तो आइए यहाँ के स्थानीय लोगों से पता करते हैं कि जब कटौती लग जाती है तो आप लोग कैसे करते हैं। सर पहले अपना परिचय दीजिए। हमारा नाम जाकिर हुसैन है। यहाँ पे पहले भी जो काम हुआ था तो वो तो चला गया गंगा में भस के, फिर जो दोबारा काम हुआ, लेकिन इसमें लगना चाहिए था जाली, जाली की बजाय से दे रखा है सुलूक, और सुलूक दिया अपने ऑटोमेटिक बालू मिट्टी है खींच रहा है। जो साल 2018 में यहाँ पे कार्य हुआ था बोल्डरों के द्वारा, वो सही ढंग से हुआ था या नहीं? वो भी मतलब कि ऐसे सुलूक काट के चला गया, और फिर अब इस बार भी हो रहा है, तो वही सुलूक काट के जितनी गहराई जाना था वो गहरा गया नहीं, ऊपर किया, ऊपर काट के निकल जाता है। इससे पहले साल 2018 में जो कार्य किया गया था वो कंपनी था दूसरा या फिर दूसरा कंपनी? मतलब वो दूसरा कंपनी था बंसीधार, और ये नया दूसरा कंपनी है। आपको घर कितना दूर है नदी से? बस यहाँ से देखो बस 1.5 कट्टा है, 1.5 कट्टा है घर। क्या सर आपको नदी के बगल में जो घर बैठा हुए हैं, तो क्या डर नहीं लगता है? डर लगता है तो क्या करें, हम गरीब आदमी है, हमारे पास ना पैसा है ना कुछ है, कहीं जाकर हम लोग जमीन नहीं खरीद सकते, नहीं घर बना सकते हैं। यहाँ के सर प्रतिदिन भी जो है एमएलए जो संसद है वो नहीं आते हैं देखने के लिए? कोई आज तक कोई पहुँचा नहीं है आज तक, तो कहाँ से आए, इसको बोलेंगे हम लोग? हम लोग मजदूर आदमी पेट पालते हैं, दिल्ली में लॉकडाउन हो गया उसकी वजह से तो भूखा मर रहे हैं, ऊपर से पानी तरस रहा है, गंगा जी हम लोग को काट रहा है, चारों तरफ से हम लोग मर रहे हैं पूरा। बस देखो ना क्या स्थिति है। जब गंगा जी कटना स्टार्ट कर देते हैं तो हम लोग क्या करते हैं? हम लोग क्या करेंगे, वही जान लेके भागते हैं, घर द्वार जो भी है टूटा फूटा लेके भागते हैं, कहीं कोई मारता है कोई कुछ कर रहा है उसी को लेकर हम लोग जा रहे हैं। जब आपके पास पैसा नहीं है, घर बनाने का पैसा भी नहीं है, तब घर कटौती में लग जाता है, तब कहाँ पे ले जाते हैं घर? तो घर किसी के दूसरी के जमीन पर ले जाकर रखते हैं, वो भी बैठने नहीं देता है, मार मार के भगाता है। सड़क में बैठते हैं, कहीं रोड में बैठते हैं, उसके जमीन में जाते लोग दबाने देते हैं, जैसा खराब नहीं है। हाँ तो वो लोग भगाता है तो मांगे, तब सड़क में बैठते हैं, सड़क में बैठते हैं तो सरकार वाला आकर तंग करता है, पुलिस आता है थाना से अहमदाबाद से, वो भी आकर भगा भगा के मरता है। यहाँ जो कटौती लगा है कल कितने बजे से कटौती था? लगभग 4 बजे लगा था। 4 बजे था? हाँ। तो कल 4 बजे लगा, अभी कार्य हो रहा है, तो यहाँ कोई भी इंचार्ज आए हुए हैं? अभी कल तक तो नहीं आया, आज सुबह आया, हम लोग सबको चारों तरफ फोन उन किए हैं, उसके बाद आ जाए। कल कटा आज आया? हाँ आज सुबह आया। कटौती हुआ 4 बजे, लेकिन आपको गांव वाले कितना बजे इन्फॉर्मेशन दिया गया है? वहीं 5:30 बजे का। 5 बजे हाँ। तो कल आए नहीं थे आप लोग? कल हम लोग आए थे यहाँ से 3 बजे काम करके गए हैं, ठीक है, उसके बाद कटौती लगा। जब हम लेबर से फोन करके बात किए तो उन्होंने बताया कि मेरा सब लेबर अभी चल गया, अभी नहीं काम होगा। कल हम यहाँ पर मौजूद थे जैसे कटौती था, गाँव वालों को पूछे कि यहाँ पे आप लोग क्रेडिट नहीं दिया गया था, गाँव वाले बोलते यहाँ पे साइड पर इंचार्ज जो है हम लोग क्रेडिट नहीं दिया, क्या इस बारे में लगता है? नहीं, यहाँ पे जो काम होता है तो इसका ऑफिस है आपको अहमदाबाद, वहाँ से सारा कुछ होता है, हम लोग तो साइड पे रहते हैं, इससे तो हम कुछ कह नहीं सकते। तो आप लोगों को भी ख्याल भी रखना चाहिए कि यहाँ पर गांव है और भीषण कटौती भी लग जाती है, यहाँ के पानी की तरफ जितना तेज देख रहे हैं, यहाँ कटौती होना ही है, तो आप लोग यहाँ पे कुछ किसी को मालिक बनाकर उनके घर में क्रेट उड़ दिया। अब हम बात करके करते हैं, गांव वाला आरोप लगा रहे हैं कि क्रेट तो मांगा गया था लेकिन क्रेट नहीं दिया गया, क्यों? ऑफिस का मामला है। हम लोग तो बोले थे कि जाता सका।
नमस्कार, आंखों देखे में आपका स्वागत है। गंगा में किस प्रकार उठता है उफान, वो आपको तस्वीरों में दिखाने जा रहे हैं। जहां लगातार उठ रहे उफान के बीच गांव किस प्रकार से लीन हो जाते हैं, यह तस्वीरें अहमदाबाद प्रखंड के कटिहार ज़िले के अहमदाबाद प्रखंड के यूसुफ टोला की है। गंगा नदी के किस प्रकार से काटने से ज़मीन नदी में विलीन हो रहा है, और 2018 में बुलडोजरों की पिचिंग की गई थी, बुलडोजरों के द्वारा पिचिंग की गई थी और वह पिचिंग अब नदी में समा चुका है। फिर 2020 में 510 बैग से कार्य किया गया, लेकिन वो भी सही तरीके से नहीं किया गया, जिसके चलते जगह जगह कटौती हो रही है और बोरे कटकर नदी में समा रही है, जो हम आगे की तस्वीरों में दिखाना चाहेंगे कि बोरे किस प्रकार से धीरे धीरे धंसते हुए पानी में समा रही है। कटिहार ज़िले के अहमदाबाद के यूसुफ टोला के निवासी चिंतित हैं, और जिस दिन से कार्य प्रारंभ हुआ है उसी दिन से गंगा नदी में पानी की कटौती रुक नहीं रहा है और पानी के द्वारा ज़मीन काटी जा रही है। यूसुफ टोला के ग्रामीण लगातार सरकार से गुहार लगा रहे हैं। यहाँ लगभग 5000 के घर हैं, जो लगभग 5000 घर विस्थापित हो चुके हैं और 5000 घर महज बचे हुए हैं। तो अहमदाबाद यूसुफ टोला की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जो गंगा के किनारे बसी हुई हैं। गंगा के बसे इन लोगों के लिए अब किस प्रकार से जी पाएंगे, चूँकि लोग बता रहे हैं कि धीरे धीरे इनका गांव कटता चला जा रहा है और गांव के लोग कभी दूसरे के ज़मीन पर जाते हैं तो कभी दूसरे के ज़मीन पर भगाए जाने पर सड़कों पर चले जाते हैं, वहाँ फिर पुलिस भगाते हैं। इन लोगों का जीवन आए दिन और बद से बदतर होते जा रही है। तो कहीं ना कहीं गंगा कटाव को रोकने के लिए सरकार को समुचित व्यवस्था करनी चाहिए, जिसे लेकर गंगा के आसपास के रहने वाले लोग काफ़ी चिंतित हैं। बिहार ऐसे ही दियारा क्षेत्र के लिए जाने जाते हैं, और बिहार का ये भीतरी उत्तरी पूर्वी भाग जो गंगा के मध्य गोद में बसती है, गंगा के मैदानी क्षेत्र में आने वाली ये भाग पूर्णिया कटिहार अररिया जिले के क्षेत्र, जहां पर कि प्रतिवर्ष आती है बाढ़, प्रतिवर्ष की भांति इस बार भी बाढ़ का काल मंडरा रहा है और लोग कहीं ना कहीं डरे और सहमे हुए हैं। प्रतिवर्ष बाढ़ का काल उतना नहीं प्रतीत हो रहा था, क्योंकि लोग कमाने खाने विदेशों में जाते थे, बाहर जाते थे और लोग कमा रहे थे, दिल्ली मुंबई सहित अन्य राज्यों में कमा रहे थे। लेकिन आज जब सारे लोग घर पर हैं, ऐसी स्थिति में अगर घर छोड़ कर जाना पड़े बाढ़ वाले इलाके तो दूर, यहाँ तो गंगा के मुहाने पर बसे हुए हैं लोग, जो महज 30 से 40 फुट की दूरी पर बने हुए हैं घर, ये रातों रात कब गंगा अपने आगोश में ले ले और डुबा डाले इन गांव को, जहां 5000 से भी अधिक संख्या के में घरों की संख्या है और पता नहीं कितने लोग होंगे, सारे लोग सड़कों पर आ जाएंगे या फिर पानी में समा जाएंगे। कहीं ना कहीं जल समाधि से बेहतर होगा कि लोग रातों रात यहाँ से पलायन कर ऊंचे स्थान की ओर जाए, पर जाए कहाँ, किसकी ज़मीन पर जाए। ऐसी स्थिति में एक ही उपाय बचता था कि कटाव को रोके जाए, पर यहाँ प्रतिवर्ष बाढ़ तो आते हैं पर सरकार इसके लिए कभी भी समुचित कदम उठाने की कोशिश नहीं की। बोरियाँ तो नज़र आ रही हैं पर बोरियों को जकड़ने वाले तार कहाँ है, वो तार जो जालेनुमा तार होती है जो इसे थामे रहती है। सिर्फ मिट्टी पर बोरियां सुला दी गई हैं, कहीं ना कहीं नदी का तेज धार अपने आगोश में लेते हुए बोरियों को समा ले रही है अपने गोद में। इस स्थिति में गांव क्या सब कुछ अपने गोद में समाने पर आमादा है, गंगा के बढ़ती उफान को देखकर समझा जा सकता है कि सब कुछ अपने आगोश में लेने पर किस प्रकार से आमादा है। तो ये तस्वीरें गंगा दियारा की कटिहार ज़िले के अहमदाबाद प्रखंड के वो गांव
जो गंगा से सटे हुए हैं, कहीं ना कहीं गंगा के मुहाने पर पड़ती है, सब कुछ काटने पर आमादा है। यहाँ कुछ एक मजदूर लगे हुए हैं जिन्हें बाढ़ आपदा प्रबंधन की ओर से लगाई गई है। यहाँ बोरियाँ तो दी गई पर तस्वीरों में दिखाने की कोशिश की जा रही है कि जगह जगह धंसते हुए नज़र आ रहे हैं। पानी की तेज़ रफ्तार से मिट्टी का कटाव हो रहा है और बोरियाँ धंस रही हैं। ये कहना मुश्किल है कि आने वाले समय में और कितने घंटे तक रुकाव होंगे, चूँकि ये हम ताज़ा तस्वीरें दिखा रहे हैं आज की, और कल से मिट्टी की कटाव चालू हुई है। तो कहीं ना कहीं गंगा के बढ़ते जल स्तर के साथ जल के उफान भी बढ़ रहे हैं, और ज्यों ज्यों इधर बढ़ रहे हैं उफान, त्यों त्यों ग्रामीणों के दिलों का धड़कन भी बढ़ रहा है। तो कहीं ना कहीं बिहार के लोग ऐसे ही कोप भाजन बने जाते हैं हर वर्ष, जिसके कारण से लोग हो जाते हैं गरीब। प्रतिवर्ष घर बनाना, घरों को तोड़ कर ले जाना, चीज़ों का गंगा में समा जाना, नए जगह पर जाना, धक्के खाना, फिर वापस अपने गांव में आना और फिर से बनाना, ये इस प्रकार से जीवन यापन चलते हैं यहाँ के लोगों के। यही कारण है कि बिहार के, उत्तर पूर्वी बिहार के गंगा के बीचों बीच रहने वाले लोग जिनके घर डूब जाते हैं, ये अपने यहाँ ना रह कर कमाने हेतु दूसरे दूसरे राज्यों में पलायन कर जाते हैं। लेकिन कोरोना के इस महामारी काल में लोगों को जब भगाए गए, लोग अपने घरों पर आने पर मजबूर हुए, लेकिन अब इन्हें बाढ़ सता रही है। आखिर मिला जुला कर गरीब जनता ही कोप भाजन बनते हैं। बिहार बीमारू राज्य कहीं ना कहीं ऐसे ही सरकारी दुर्दशा के कारण बन जाती है। तो बिहार को बीमारू राज कहने वालों के आँख में थोड़ी सी पानी हो, अगर थोड़ी सी शर्म हो तो वो देखे। डबल इंजन की सरकार बिहार में, डबल इंजन की सरकार चल रही है। केंद्र और राज्य दोनों की बात करें तो दोनों के आँख में पानी नहीं। यहाँ गंगा के लिए कभी भी किसी भी प्रकार की समुचित व्यवस्था नहीं की जा रही। यहाँ गंगा के नाम पर वोट जरूर मांगे जा रहे हैं और गंगा को कहीं ना कहीं राजनीतिक इस्तेमाल में किया जा रहा है। गंगा के परियोजना को लेकर लंबी लंबी कहानियां गढ़े जा रहे हैं, लेकिन आप जब गंगा में पहुंचेंगे, जब गंगा के किनारे आएंगे, तो पता चलेगा कि ये सारे जुमले और फेंकू वादे हैं, ज़मीन पर तो कुछ नज़र नहीं आते। यहाँ कुछ एक ही ठेकेदार आते हैं और पता नहीं किस प्रकार से पैसे का भी उठाव होता है, जांच भी ठीक से नहीं हो पाती है कि कैसे कटाव को रोकने की क्या व्यवस्था हुई, इस पर ठीक ढंग से जांच भी नहीं होती है। बिल भी पास हो जाते हैं, लोग पैसे भी ले लेते हैं, लेकिन जो गंगा किनारे बसने वाले ग्रामीण हैं वो हर हाल में कोप भाजन बनते हैं, क्योंकि गंगा का कटाव नहीं रुका है और ऐसी सड़ी गली व्यवस्था में गंगा की कटाव रुकने वाली भी नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखों देखी। आंखों देखी।